आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मीनाक्षी लेखी जी, आदरणीय नजमा जी, कोकजे साहब, विजेंद्र जी और बहनों और कुछ संख्या में यहाँ मित्र भी हैं, मेरा सुझाव था राष्ट्रीय महिला मोर्चा को और दिल्ली प्रदेश को कि इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है अपने तमाम महिला कार्यकर्ता समझें, और समझने के साथ साथ उसको किस प्रकार से आगे और बढ़ाया जाए इस पे चिंतन आरंभ करें। शायद इसी सुझाव के आधार पर यह पहल की गई है। मैं मानता हूं कि इस देश में कई बार राजनीतिक बहस जब विकृत होती है, गलत दिशा में चलती है, वोट बैंक की दिशा में चलती है, तो कई बार उसमें से अच्छा तर्क उभर कर सामने नहीं आ पाता। महिलाओं के समाज में अधिकार, व्यक्तिगत निजी कानून को लेकर उनकी परिस्थिति शायद एक बहुत बड़ा उदाहरण है समाज में इस बहस के बिगड़ने की वजह से। कई और उदाहरण भी हैं, मैं अगर आरंभ करूं दो उदाहरणों से कि कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतन होता है उसको बिगाड़ता है। पहला उदाहरण है कि आज से लगभग महीना डेढ़ महीना पहले मैं इस विषय से भटक रहा हूं और जानबूझकर भटक रहा हूं, दिल्ली शहर के अंदर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इस देश को तोड़ने वाली जितनी ताकतें थी वो सब प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। किसी ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, किसी ने कहा कि ये देश तो कभी एक हो ही नहीं सकता था, ये अननेचुरल ज्योग्राफिकल कॉम्बिनेशन है, किसी ने कहा खालिस्तान अलग है, किसी ने कहा मिजोरम नागालैंड अलग है। और जब इस प्रकार की चिंतन का विरोध हुआ कि ये लोग कैसे आए, तो इस विकृत सोच ने कहना शुरू किया कि इन सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, ये तो फ्री एक्सप्रेशन है, और वो देश तोड़ते भी हैं तो उनको अपनी बात कहने दीजिए। जो लोग ये कह रहे थे कि उनको अपनी बात कहने दीजिए और इस देश को तोड़ने की बात कहने दीजिए, ठीक पिछले दो तीन दिन से वही लोग एक तर्क दे रहे हैं, अरे आप राष्ट्रीय ध्वज लेकर श्रीनगर जाना चाहते हैं, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं देश के साथ। आप राजनीतिक दृष्टि से इस विकृत बहस का और इस सोच का परिणाम देखिए कि दिल्ली में जहां केंद्र सरकार की सीट है वहां पर बैठकर इस देश को तोड़ने का प्रवचन हो तो वो फ्री स्पीच है। कोई अपने स्वाभिमान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को उठाकर देश के किसी हिस्से में जाए तो वो देश के साथ अन्याय है। लगभग ठीक यही सोच जो है और यही तर्क जो है वो महिलाओं के साथ जो निजी कानून बनाने में और उसके आगे बढ़ाने में, उसके सुधार में और उसकी प्रगति में जो बाधा डालने वाले लोग हैं, ठीक इसी राजनीतिक सोच ने, वोट बैंक की सोच ने उसमें रुकावटें पैदा की है। जब इस देश का संविधान बना तो संविधान के निर्माताओं में डॉक्टर अंबेडकर का नाम प्रमुख आता है। जब डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उन्होंने कहा कि मैं संविधान में एक धारा 44
का सुझाव देता हूं, और धारा 44 ये थी कि ये देश प्रयास करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक सामान्य नागरिक कानून हो, तो लगभग सारी संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया। अब ये विकृत सेक्युलरवाद की वजह से 63 वर्ष में क्या प्रवृत्ति आई है कि आज पुणे अगर कोई डॉक्टर अंबेडकर जीवित होते या उन जैसे उनके कद का व्यक्ति खड़ा हो जाता और संसद में खड़े होकर कहता कि इस देश के अंदर प्रयास हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो सब के सब कहते कि तुम सांप्रदायिक हो और इस देश को उसकी आवश्यकता नहीं है। यह 63 वर्ष में इस सोच ने इस देश का कितना नुकसान किया है इसका स्पष्ट उदाहरण। ये जो व्यक्तिगत मजहबी कानून बने थे इनका एक आधार था, और आधार था कि हर समाज में जो उनकी रहन सहन की व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, कोई ट्राइब्स थे, कोई जातियां थी, कोई जनजातियां थी, जो उनकी जीवन शैली थी, उनकी जीवन शैली के आधार के ऊपर इन कानूनों का निर्माण हुआ था। और यह पुरानी सोच थी, और जब इस सोच के आधार पर इनका निर्माण हुआ तो जो मीनाक्षी ने कहा कि जो व्यक्तिगत रिश्तों को तय करते हैं, और व्यक्ति ये कानून का दायरा क्या है, आप पैदा होते हैं तो आपका अधिकार क्या है, आपकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो आपके अधिकार क्या है, विवाह की वजह से आपका अधिकार क्या है, कहीं विवाह बिगड़ जाए और तलाक हो जाए तो आपके अधिकार क्या है, संतान पैदा हो जाए तो उसके संदर्भ में आपका अधिकार क्या है, पिता की संपत्ति में आपका अधिकार क्या है, परिवार की संपत्ति में क्या अधिकार है, मृत्यु के बाद जो आपके वारिस होंगे उनका क्या अधिकार है। तो ठीक कहा मीनाक्षी ने, जो व्यक्तिगत रिश्तों को जोड़ते हैं और उसका आधार तय करते हैं, उस तय करने का जो पूरा संवाद है वो पर्सनल लॉज है। लेकिन ये पर्सनल लॉज पुराने थे, सदियों से बने आए थे, और तब की जो जीवन शैली, धार्मिक शैली, जीवन शैली थी उसके आधार पर बने। और नजमा जी ने ठीक कहा कि समय बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, व्यक्ति का समाज में स्थान बदलता है, सोच बदलती है, तो स्वाभाविक है कि वो पुरानी सोच के अंदर एक प्रकार से प्रगति आएगी। आज अगर मैं कहूं तो दो प्रकार की सोच हैं जिनका बहुत बड़ा टकराव है समाज। एक सोच थी और उसके टकराव का जो प्रभाव है, मैंने कहा कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रभावित है, वो राजनेताओं के संबंध में कहा जा सकता है। जो कानून बनाते हैं, जो कानून की परिभाषा हमें बतलाते हैं, कुछ हद तक इसका असर न्यायपालिका पे भी हुआ। इसके कई मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक सोच थी जो संविधान के अनुकूल थी, और मैं इसको एक प्रकार से प्रगतिशील सोच बताता हूं। जब इस देश का कानून संविधान बना तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोच थी वो उसके अनुकूल थी, उन्होंने लागू नहीं किया लेकिन इतना कहा कि इसका प्रयास होगा। लेकिन संविधान में दो अधिकार थे जो हर नागरिक को दिए, एक अधिकार था बराबरी का, किसी भी जात व्यवस्था, मजहबी व्यवस्था के बावजूद हर व्यक्ति का अधिकार एक बराबर है, पुरुष और महिला का अधिकार भी बराबर है। तो कोई भी महिला इस देश में आधार को कह सकती है कि हमारा अधिकार बराबर है, इसलिए यह संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। दूसरा अधिकार था
व्यक्ति को जीवित रहने का भी अधिकार दिया, और जीवित रहने के अधिकार का केवल यह अर्थ नहीं होता कि चाहे आप जानवर की जिंदगी जी सकते हैं, एक सम्मान और इज्जत के साथ जीना, जिसको कानून ने परिभाषा दी कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना, जीवन का जो अधिकार है वो उसका एक अंश बन जाता है। ये अधिकार संविधान ने दिए, और जितने भी इस देश में जो सोच थी, जो लोग चाहते थे कि महिलाओं के अधिकार बढ़े, स्वाभाविक था कि जितने ये कानून चले आ रहे थे, कई उसमें से ऐसे थे जो लिखे हुए भी नहीं थे, परंपरा के आधार पर थे, वो इस आधार के पर खड़े बैठे। दे मस्ट मीट दिस, दे मस्ट बी टेस्टेड ऑन दिस टचस्टोन। दूसरी सोच थी कि इन कानूनों के साथ इतनी खिलवाड़ मत करो कि उनके धार्मिक जो सोच है या उनके धार्मिक जज्बात हैं वो भड़क जाए। और स्वाभाविक था जब बहस होगी तो इस दूसरी सोच के बीच में और पहली सोच के बीच में वैचारिक टकराव था। और मैं मानता हूं कि आरंभ में कई दृष्टियों से प्रगति होने लगी, लेकिन किसी समाज में कोई सर्जिकल एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती थी। और मैं एक न्यायपालिका की भी एक भूल मानता हूं, मैं उसको गलत मानता हूं। कोकजे साहब यहां हैं, जब संविधान बना तो यह तय हुआ, और संविधान में ही लिखा है, एक संविधान में धारा है धारा 13, कि जितने कानून हैं, ये मोबाइल फोन बंद करते नहीं तो पहले सुन ले, बात कर ले, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान में धारा 13 जो थी उसमें ये लिखा था कि कोई कानून इस देश का है जो संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है तो वो कानून अवैध हो जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको सही नहीं माना जाएगा। लेकिन एक स्तर पर जब न्यायपालिका के सामने भी यह विषय आया तो न्यायपालिका ने भी यह संकेत दे दिया कि हर कानून जो संविधान के खिलाफ है वो अवैध होगा, लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं उनको इस परिभाषा में हम कानून नहीं मानते। तो पर्सनल लॉ अगर बराबरी के अधिकार को नहीं स्वीकार करता या इज्जत सम्मान डिग्निटी के अधिकार को नहीं स्वीकार करता तो वो अपने आप में अवैध नहीं होगा। अब मैं मानता हूं कि ये जो सोच आरंभ में बनी एक न्यायिक निर्णय में, बाद में उसमें से निकलने का उन्होंने प्रयास किया, संकेत दिया, लेकिन न्यायपालिका भी इस विषय को बहुत ज्यादा मत छुओ, इससे जज्बात भड़केंगे, इसलिए इससे दूर भाग, और वो एक दुर्मुख स्थिति चली। नहीं तो बहुत सरल था ये कहना कि ईच पर्सनल लॉ मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट्स, और इक्वालिटी डिग्निटी ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। न्यायपालिका ने ये नहीं किया। अब बात इस वजह से फिर राजनीति और संसद के दायरे में आ गए। 1956-57 में पहला रिफॉर्म हुआ हिंदू कानून का, उससे पहले तो कोई पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था, बाल विवाह हो सकते थे, उसके ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंध लगा, कुछ विषयों में बराबरी का अधिकार दिया लेकिन पूर्ण नहीं था। अभी आपने कहा कि अगर आप सभी प्रमुख धर्मों के कानून देख लें